मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम करने वाली एरिका रॉबिन ने कांस फिल्म फेस्टिवल में शानदार डेब्यू किया। एरिका रॉबिन कांस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म दी सब्सटेंस के प्रीमियर के मौके पर जलवाघर हुई। इन्होंने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर कांस फिल्म फेस्टिवल से अपनी एक वीडियो शेयर की है, जिसमें इन्हें मशहूर पाकिस्तानी डिजाइनर नोमी अंसारी का डिजाइन किया हुआ सुनहरी रंग का लिबास पहने रेड कारपेट पर अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेरते हुए देखा जा सकता है। एरिका रॉबिन ने ये वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मुझे वाकई बैन अलावामी फिल्म इंडस्ट्री के पेशा और अफराद के दरमियान रेड कारपेट पर चलने का मौका मिला। इन्होंने अपनी एक और पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि मुझे पाकिस्तान की सबसे कम उम्र खातून और ब्यूटी क्वीन क्वीन के तौर पर कांस फिल्म फेस्टिवल में आलमी सतह पर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने पर फख्र है। एरिका रॉबिन ने मजीद लिखा कि मैं इन तमाम लोगों की शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे घर से कांस तक के सफ़र में सपोर्ट किया, मोहब्बत दी और मुझ पर भरोसा किया। वाज़े रहे कि एरिका रॉबिन कराची से ताल्लुक़ रखने वाले एक पाकिस्तानी फैशन मॉडल हैं जो मुल्क की मसीही बरादरी से हैं, जो मुसलसल ख़वातीन को बाख्तियार बनाने की वकालत करती नजर आती हैं।